क्रेजी ऑफ रोड में है ये वाला रोड गाइस। ये वाला रोड कनेक्टेड होता है अपना, ये वाला रोड जो है ना वो हमारा कनेक्ट होगा सेवबाग की तरफ को। ओ माय गॉड गाइस, व्हाट अ ब्यूटी, जस्ट लुक एट दिस मैन। आते वक्त रील्स वगैरह तो बन, ये क्या 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 बनता है लोकल फूड्स में? चावल, मक्की, रोटी, राजमा, कढ़ी, सरसों का साग, कद्दू, देसी घी, शक्कर, चटनी, अचार। ओके, आप देख लेना, अंदर आ जाना, किचन ठीक है, बन रहा है आपके सामने। सामने मक्की की रोटियां बनाई है, ठीक है, फिर आपको खिला। ओके, सो गाइस, हियर वी आर, अपनी जो है लग चुके हिमालय में एक्सप्रेस में आगे गए, मेरा स्टैंड नहीं लग रहा था क्योंकि ये गाइस जाना वाटरफॉल, दिस इज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा कुल्लू से, जा रहे हम जाना वाटरफॉल जो कि पड़ता है मनाली डिस्ट्रिक्ट में। साइड हो जा गाड़ी वाले। सो यस गाइस, आज है मेरे साथ अमन का छोटा भाई रमन, उसने लाई है अपनी हिमालयन, एंड वो मेरे से थोड़ा सा आगे निकल गया। अभी उसको फॉलो करूंगा मैं, बिकॉज मैंने बोला उसको तू आगे चल, मैं तेरे को फॉलो करता हूँ, मेरे को रास्ते का पता नहीं है बिकॉज। सो चलो गाइस, एंड गाइस थैंक यू सो मच यार, आपने मेरे 2000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करवा दिए मोटो ब्लॉगिंग वाले चैनल पे, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स सो मच यार 2000 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। जैकॉम मोटो ब्लॉग शॉर्ट्स वाला एक चैनल है गाइस मेरा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जा करके उस चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, राइट। एंड क्या ही प्यार दिखा रहे हो गाइस आप लोग यार ब्लॉग्स पे, थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। अभी आप लोकेशन देख सकते हो, करंट सिचुएशन जो है मनाली की, ए ए ए देखो इतना रैश चलाते हैं ये लोग ना कसम से। ये वाला जो हिमालय ना ये मेरे साथ है, आज हमको यार दीपक भी ज्वाइन करने वाला था बट पता नहीं क्या किया उसने भाई, एक फ़ोन आया उसका कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कहा कि हम आ रहे हैं, एंड फिर उसका भाई फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया एंड वो उस लोकेशन पर था भी नहीं। पता नहीं भाई क्या किया उस बंदे ने, क्या नहीं किया, तो कोई और ये यहाँ पर रहता है वो इस आर्मी साइड पे भाई। मनाली में ना सीरियसली भाई ठंड हो गई है भाई, आई थिंक स्नो पड़ गई है मनाली, मनाली से थोड़ा सा आगे अगर जाएंगे तो हमको ना स्नो देखने को मिलेगी वहाँ पे। नहीं बैल लड़ रहे हैं, स्लो हो जानी थी। डर लगता है भाई ये जानवरों के साथ में ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब मैं लाइक नया नया मनाली की तरफ ट्रैवल करता था ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से हिचकिचाहट होती थी भाई इस तरफ ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी बाहर की गाड़ियाँ आती थी ना भाई, क्या बताऊँ मैं, इतने रॉन्ग ओवरटेक लेती थी ना, इतने रॉन्ग ओवरटेक लेती थी ना, लाइक भाई यहाँ यहाँ से आती थी एकदम गाड़ी के सामने आ जाती थी गाड़ी, भाई मेरे को बहुत वो होता था कि भाई ये लोग क्यों सही से नहीं चला रहे भाई। कुल्लू से कितना 32 किलोमीटर सीधा, एंड उसके बाद 8 किलोमीटर अगर और जाएंगे तो प्रॉपर मनाली में हम लोग पहुंच जाते हैं। क्रेजी ऑफ रोड में है ये वाला रोड गाइस, ये वाला रोड कनेक्टेड होता है अपना, ये वाला रोड जो है ना वो हमारा कनेक्ट होगा सेवबाग की तरफ को। चल पड़ रमन ओवरटेक ले ले, ओके। परला वाला जो था वो मेन हाईवे था, ये जो है सिंगल लेन है एकदम। ओके, यही वाला रास्ता है जो अपना जो है सजला वाटरफॉल भी यहीं से जाते हैं, लाइक जो हमने कहा सजला वाटरफॉल वाला
कवर किया था वो हमने यही वाला रास्ता कवर किया था। अभी जाना वाटरफॉल भी यहीं से जाएंगे आई थिंक सो। जाना वाटरफॉल ना सजला वाले वाटरफॉल से आगे है जितना मेरे को आइडिया है, जितना मेरे को लगता है। बट ये वाला रास्ता बहुत प्यारा है यार, हाईवे होकर के ना आप बोर हो जाओगे। बट जो ये वाला रास्ता है, ये वाले रास्ते से आप बोर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा प्यारा रास्ता है ये वाला, क्रेजी है भाई रास्ता। वाओ गाइस जस्ट क्या, ये जहाँ से हम जा रहे हैं ये रास्ता निकलेगा अपना नगर, नगर साइड को, यहाँ को चल लेफ्ट को। क्लच छोड़ क्लच। चलो ओके, ये रास्ता है भाई जहाँ पर अमन शायद काम करता है। बट ठंडी जगह बहुत, सीरियसली भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। वाह यार व्हाट अ लोकेशन मैन। सीरियसली मैन वेरी वेरी भाई बहुत ठंड है यहाँ पे, धूप ही नहीं पड़ती होगी यहाँ पर भाई। ओके गाइस यहाँ पर होते हैं अमन, क्या पता हो किस इवेंट में चले गए, केसर विला रूम्स बुक कैफे गार्डन। ओके यहाँ पर अब जाना वाटरफॉल देखते हैं कितना बड़ा वाटरफॉल है, सुना तो नाम जाना का बहुत है बट देखते हैं कैसा जैसा है भाई। एकदम भाई डेंस फॉरेस्ट के बीचों बीच से ये रोड जा रहा है। मजा है भाई रोड में तो, मजा तो है, प्यारा रोड है बहुत। जाना हम कहाँ जा रहे हैं अभी, नशाला की तरफ जा रहे हैं गाइस हम। गाइस ओ माय गॉड गाइस व्हाट अ ब्यूटी, जस्ट लुक एट दिस मैन। आते वक्त रील्स वगैरह तो बनती है यहाँ से यार। वाह यार अभी जा करके ना थोड़ा खुला मौसम और ऊपर जा करके फिर से डेंस फॉरेस्ट है। कैंपिंग करने का यार मजा आएगा अगर कोई ग्राउंड वाली लोकेशन रही तो।
अब टर्निंग तो, ओ माय गॉड गाइस, एक बार लोकेशन चेकआउट करो, सामने माउंटेन्स पे देखो बर्फ भी है भाई, बढ़िया भाई, क्या ही लोकेशन है यार सीरियसली। चल रुकेंगे आते टाइम, आते टाइम फोटोज वगैरह सब लेंगे, चल तू अभी पड़ेगी। या श्योर, यही रोड चल रहा है। अभी आई थिंक 2 किलोमीटर रह गया होगा और जाना जाना वाटरफॉल, 2 ही किलोमीटर रह गया होगा और इससे ज़्यादा नहीं भाई। अभी अभी ना मौसम क्या, सॉरी, पेड़ खुलना स्टार्ट इन द सेंस कि भाई जंगल ख़त्म हो गया है। अभी हमने जंगल को पूरा जितना भी डेंस फॉरेस्ट था क्रॉस कर लिया है भाई। बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं लोग यार, ये जो यहाँ पर रहते हैं ना मनाली में, सीरियसली डैम गुड जगह है भाई, बहुत ज़्यादा सेक्सी जगह है। देखा गाइस, जाना 2 किलोमीटर रह गया अभी। मैं हमेशा सही बोलता हूँ भाई, गलती नहीं होती कभी मेरे से भाई। वाओ, जस्ट चेक आउट भाई स्नो, छोटो अलग ही क्रेजी होते हैं छोटे लोग भी, छोटे बच्चे भी। नेक्स्ट लेवल नज़ारे है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। पर सामने देखो टॉप पे भाई बहुत ज़्यादा स्नो गिरी हुई है, वगैरह भी है यहाँ पे। ये देखो भाई सामने, चेकआउट करो एक बार, पूरा जंगल ही है, प्रॉपर जंगल। ये जाना की मार्केट तो नहीं है, चल चल आगे आगे चल तू। ओके, अभी और आके जाना है हमको। मुझे लगा पीछे पड़ेगा ये कुत्ता भाई, मुंह तो ऐसे ही ला रहा था जैसे बस पीछे पड़ेगा। गाइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है कसम से, कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। क्या हुआ, ये एक ही जाना वाटरफॉल यार, ये क्या ये कहीं जाना वाटरफॉल, खास नहीं लगा मेरे को कुछ ज्यादा। क्या क्या बनता है लोकल फूड्स में, चावल मक्की रोटी राजभा कढ़ी सरसों का साग कद्दू देसी घी शक्कर चटनी अचार। ओके, आप देख लेना अंदर आ जाना, किचन कैसे बन रहा है आपके सामने, सामने में कुछ रोटियां बनाई है, ठीक है फिर आपको खिला। ओके
चलो गाइस, ये गाइस छोटी सी मार्केट, एंड ये जाना कि छोटी सी मार्केट है गाइस। अभी वाटरफॉल आगे है, हमको लगा था कि भाई नहीं है वाटरफॉल, हमने सोचा था वो पीछे वाला वाटरफॉल है, एक ये है, एक पीछे है, एक और है। देख के आते इधर आगे वाला वाटरफॉल कैसा है भाई। ये वाला है, पीछे वाले से तो अच्छा ही है यार, पीछे वाले से तो अच्छा ही है ये वाला। ओके गाइस, तूने आलू भुजिया खानी उसको आलू भुजिया खानी है भाई। सो गाइस, हियर वी आर, अपनी जो है लग चुके हिमालय ना एक्सप्रेस, मैंने आगे लगाया, मेरा स्टैंड नहीं लग रहा था क्योंकि ये गाइस जाना वाटरफॉल, दिस इज द जाना वाटरफॉल गाइस। भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सो गाइस, इनके ढाबे का नाम है नारायण ढाबा, स्टेप इन फॉर प्योर वेज। तो बोलना चाहेंगे कुछ आप? जी सर, वैसे तो जो जाना वाटरफॉल है, वाटरफॉल भी है और साथ में हमारा जो लोकल फूड है ना, इसके लिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, मनाली जाओ, नगर जाओ, कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे प्योर बनता, लकड़ी के चूल्हे में तैयार होता है सारा खाना और ऑर्गेनिक होता है। जैसे थाली होती है हमारी, थाली में मक्के का रोटी आएगा, सरसों का साग, सीडू, रेड राइस, राजमा की दाल, कढ़ी, लगभग 10-12 आइटम होती है हमारी, जैसे घी होगा साथ में, अचार, चटनी, शक्कर, सब कुछ आएगा। तो थैंक यू सो मच सर आपका। सारा लकड़ी के चूल्हे में तैयार होता है, मक्के का रोटी भी इसी में बनता है, चावल, सब्जी, सब कुछ जो भी होता है इसमें बनाते हैं। खाना खाने जैसे तैयार होगा ना, उसको किसी को जल्दी, तो फिर गैस यूज़ करते हैं, गैस में गर्म करके देते हैं। ऐसे जो है इनका सारा खाना जो है ना चूल्हे पे बनता है, लाइक स्टीम करके, राइट? जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सो ठीक है गाइस, फाइनली ये था भैया का ढाबा, एंड यहाँ पर ना हमने अपना खाना पीना किया। सो गाइस, खाना पीना किया, ये भैया ना इतने ज़्यादा अच्छे थे ना, लाइक आप बिलीव नहीं करोगे भाई, इनके बाना हमने 2 सिड्डू खिलाए, एंड जब हमने इनके साथ अच्छे से बातचीत की ना, सो सीरियसली गाइस यार, इन्होंने ना भाई 1 सिड्डू अपनी तरफ से खिलाया हमको फ्री में, और कह रहे थे चाय भी पिलाता हूँ मैं, बट हमने मना कर दी बिकॉज इतना अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें गाइस। एंड हाँ गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो असली जाना वाटरफॉल जो है ना, ये हमने आपको पीछे दिखाया, ये जो हमने दिखाया ये एक्चुअल में जाना वाटरफॉल था, ठीक है, बट जो पीछे है बहुत सारी दुकानें, इन्होंने वो जो उन्होंने वाटरफॉल बनाया ना गाइस, वो फेक वाटरफॉल बनाया है एक्चुअल में। यहाँ पे एक छोटा सा स्कैम चलता है, तो जो रियल वाटरफॉल है ना जाना का, वो ये आगे वाला है। तो आप जब भी जाना वाटरफॉल घूमने आओ ना, तो पीछे ही मत रुको, आगे आओ, क्योंकि पीछे के लोग क्या करते हैं, जो पीछे होते हैं ना वो लोग बोलते हैं कि आगे कोई वाटरफॉल ही नहीं है भाई, जो उन्होंने पीछे फेक बनाया वो कहते हैं यही जाना वाटरफॉल है, तो वो वहीं खाते पीते हैं, एंड आगे तक वो पहुंचते ही नहीं। तभी आपने देखा भैया की दुकान में ना बहुत ज़्यादा कम रश था, जो भी मैक्सिमम लोग थे वो उन्होंने पीछे ही रुकवा के रखे थे। तो ये छोटा सा स्कैम है गाइस, तो अगर मेरा ब्लॉग देख करके कोई लोग भाई आ रहा है यहाँ पर, तो रियल वाटरफॉल है, जो आगे पीछे मत रुकना गाइस। एंड अभी हम जा रहे हैं कुल्लू की तरफ वापस ऑफ रोड हो गए। अगर आपको गाइस ये ब्लॉग पसंद आया, एंड इस टाइप के अगर आपने और ब्लॉग्स देखने हैं, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।